उत्तर प्रदेश में लगातार अपहरण के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। 26 जून को विक्रम त्यागी जो है लापता हुए, 27 जून को उनकी कार बरामद हुई जिसमें खून के धब्बे भी पाए गए, डीएनए में टेस्ट आया कि ये विक्रम त्यागी की ही गाड़ी थी। पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही थी थक हार के, पुलिस ने एसटीएफ को जाँच सौंप दी लेकिन अभी तक एसटीएफ की तरफ से कोई जाँच नहीं निकल के सामने आई। पिछले 6 दिन से ये लोग जो है यहाँ पर अनशन पे बैठे हैं, पिछले 6 दिन से आप लोग यहाँ पर अनशन पे बैठे, क्या मांग है कि क्या जांच हो, क्या निकल के सामने आए विक्रम त्यागी को लेकर? हमारी समाज तो यही मांगेगा हमारा बच्चा सुरक्षित अपने घर आ जाए, और मेरी योगी जी से बहुत प्रार्थना है सबके माध्यम से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि एक महीना 2 दिन आज हो गए हैं, बहुत बड़े दुख की बात है कि एक छोटा सा केस है कि उन पर सोल्व नहीं हो रहा है, कि आप प्रशासन से बोलिए कि इसको सोल्व करें, हमारा बच्चा सहकुशल हमारे घर वापस आए, हमें तो यही चाहिए और कुछ समझ ही नहीं है। अभी इसके लिए मैंने केसी त्यागी जी ने भी बताया है, लखनऊ में सभी अधिकारियों से बात हो चुकी है और उसके लिए लगातार प्रयास भी जारी है। रहा घटनाओं का, जितनी घटनाएं हुई हैं उनका शॉर्ट आउट भी तुरंत हुआ है। पहले का घटनाक्रम देखें, पहले की सरकारों को देखें, आज का आउटपुट देखें तो वो कहीं ज़्यादा है। विक्रम जी भाई सब वाला विषय है, सब लोग प्रयासरत हैं, हम सबकी प्रार्थना ईश्वर से भी और पूरा प्रशासन लगा हुआ है कि जल्दी उनकी सकुशल वापसी होगी। हम इस सब के लिए ही, अपना जो हम सब की कर्तव्य है पार्टी के साथ साथ, उसके लिए हम सब यहाँ आए हैं। सर, लगातार 6 दिन से ये लोग अनशन पे हैं, अब क्या आगे जांच होगी, किस तरीके से, एसपी सिटी से कोई बात हुई है, क्या होगा? अभी अधिकारी आए थे, उन्होंने सारा विषय बताया, एसटीएफ के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और 2-3 दिन का उन्होंने टाइम लिया है, मैक्सिमम 4 या 5 तारीख तक का। तो निश्चित रूप से हम सब के सामने एक अच्छा परिणाम, ताकि वो भी आए परिवार में अपने त्यौहार मनाएं, हम सब ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। क्या आंदोलन और आगे बढ़ सकता है अगर जांच नहीं हुई या कुछ सामने नहीं निकल? नहीं, ऐसा नहीं होगा, हो गया निश्चित रूप से जांच में, हाँ निश्चित रूप से जानकारी में आएगा सारा विषय और सारे तथ्य सामने आएंगे। विक्रम त्यागी को लेकर यहाँ पे एक तरह की जंग छिड़ी हुई है, लगातार 6 दिन से लोग अनशन पे बैठे हैं, जो किसान है जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। विक्रम त्यागी 26 जून से गायब है, 30 दिन हो गया है, अभी तक कोई जांच निकल के सामने आई, आप लोग अनशन पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? हम 2 दिसंबर 2016 से मंडोला सत्याग्रह आंदोलन हम समर्थन देने आए कि हमारे विक्रम को हमारी सुपर्दगी में दे, सरकार क्या चाह रही है, मुंह पे मसाक लगा रही है इसके बारे में, तो सड़क बंद, बाजार बंद, इनके बारे में क्या, जो मृत्यु हो रही है रोज, एक लड़की को ब्रीफ केस में डाल दिया, क्या है सरकार, कहाँ है सरकार, हमें ये बताइए। और किसान अगर आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ हम समर्थन देना है कि अगर हमें 4 दिन तक इन्होंने वक्त दिया है, जब तक रक्षाबंधन है, अगर नहीं होएगा तो हमारा पूरा रक्षाबंधन, तो इन्होंने वक्त दिया है, हाँ, तो उसके बाद हम पूरे हमारे 6 गांव 12 गांव जितने भी हैं त्यागी होंगे वो सारे यहाँ आ जाएंगे और एसएसपी का घेराव करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपहरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में विक्रम त्यागी का गायब होना, उसके बाद जांच भी नहीं, एसटीएफ को जांच सौंपी गई है, जांच भी नहीं सही से हो रही है, आला अधिकारी आते हैं आश्वासन देते हैं, क्या लगता है जांच होगी? देखिए, जांच तो अगर हम 26 जून से बात करें तो अभी तक का कोई इसमें जांच, या बार बार बोल रहे हैं हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद पिछले एक महीने के अंदर जो घटनाएं हैं, विक्रम के जैसी घटना जो हुई हैं वो साहिबाबाद के अंदर हुई है, अभी लड़की का साहिबाबाद का दूसरा केस आया, वो ब्रीफ केस में उसकी डेड बॉडी मिली है, जोशी विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई है। लगातार मैं ये कहना चाहता हूँ, गाज़ियाबाद के अंदर जो पोस्ट एरिया राजनगर और राजनगर एक्सटेंशन कहा जाता है, सब पार्टियों का समर्थन लगातार, हम युवक कांग्रेस के लोग हैं, लगातार 25-30 लोग हम रोज़ यहाँ पर रह रहे हैं और सब पार्टियों ने जागरूक करने का काम किया। प्रशासन इतनी गहरी नींद सोया हुआ है कि अभी तक कोई भी परिणाम, 26 जून कोई घटना हुई और 32वां दिन आज है और आप देख लीजिए कि रिजल्ट आपके सामने है, जो जहाँ हम पहले दिन खड़े थे वहीं आज खड़े हैं। सर, परिवार जो है मैम पीड़ा में है इस वक्त, पिछले 6 दिन से अनशन में बैठे हैं आप लोग, क्या लगता है कि जाँच होगी या आगे आंदोलन जो है और जारी? मैडम, मैं इनको समर्थन देने आई हूँ, मैं गाज़ियाबाद महानगर कांग्रेस कमेटी की महानगर अध्यक्ष महिला विंग की कमलेश कुमारी एडवोकेट हूँ और यही सब देखते हुए डेली हम इनके पास आते हैं और इनके मालूम करते हैं, पुलिस की निष्क्रियता के चलते कि 30 दिन भाई को हो गए हैं विक्रम भाई को और पुलिस आज तक पता नहीं चला पाई है। उनकी गाड़ी मिल गई है, गाड़ी में खून के स्पॉट भी मिले हैं, लेकिन पुलिस की लापरवाही और पुलिस की एक निष्क्रियता देखिए कि इनका आईटी सेल कहाँ है, इनका साइबर सेल कहाँ है, जो कि एक अपहरण का आज तक ही पता नहीं चला पाए, तो इसी से ही पता चलता है कि यहाँ का प्रशासन और पुलिस कितनी सीरियस है यहाँ पे। और इस
तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो आंदोलन पे बैठे हुए हैं, लोगों की साफ मांग है कि जल्द से जल्द इंसाफ जो है वो मिले। मैम क्या कहेंगे, पिछले 30 दिनों से विक्रम त्यागी की लापता होने की खबर है, एसटीएफ को जांच सौंपी गई लेकिन अभी तक कुछ सामने निकल के नहीं आया। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है उत्तर प्रदेश में, और खासकर जो ब्राह्मणों पर हो रहा है वो भी बहुत शर्मनाक है कि कहीं पूरी तरीके से आप कहीं से भी ले लीजिए, चाहे यहाँ से लेकर के आप गोरखपुर तक ले लीजिए, गाजीपुर तक ले लीजिए, कहीं ले लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में आज ब्राह्मणों की स्थिति बहुत दयनीय है। हत्याएँ हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं बेटियों के साथ, और जिस प्रकार से ये स्थिति हुई कि 30 दिन से ऊपर का समय हो गया, पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा है, सरकार मौन है, खुद योगी जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये अपने आप में पूरे प्रदेश में ये बहुत ही खराब स्थिति है कि हर तरीके से, एक तो ब्राह्मणों को टारगेट कर करके मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनका अपहरण हो रहा है, इसके अलावा पूरे प्रदेश में हर जाति धर्म की स्थिति खराब है, लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है, कोई मेंटेन नहीं हो पा रहा है, जो DGP साहब है बिल्कुल चुप होकर के बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे, समझ में नहीं आता कि अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी स्थिति हो गई है, और चारों तरफ आप देखिए अराजकता फैली हुई है, हत्या लूट बलात्कार की स्थिति है, पूरा जो ये रामराज्य की हम जो बात करते थे वो हत्या प्रदेश हत्या राज बन चुका है। क्या लगता है रामराज जब गुंडा राज होता जा रहा है? गुंडा राज तो हो गया, इससे बड़ा और उदाहरण क्या चाहिए? 3 साल की सरकार में आप देख लीजिए, आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, चाहे ब्राह्मणों की मौत के आंकड़े उठा करके देख लीजिए, या आप किसी भी चीज़ के आंकड़े, आप महिला अपराध में हम नंबर 1 पे चल रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 पर है, हत्याओं पर नंबर 1 पर है, हमारे यहाँ के उद्योग हो गए, तमंचा उद्योग, अपहरण उद्योग, फिरौती उद्योग, हत्या उद्योग, बलात्कार उद्योग, लूट उद्योग, डकैती उद्योग, ये उद्योग है हमारे यहाँ के तमाम बड़े आला अधिकारी यहाँ पर आए। क्या आश्वासन दिया गया है यहाँ पर जांच के लिए? हम लोगों ने कहा है, उनसे मांग की है कि अगर 4 अगस्त तक जो भी है अगर कुछ आता है, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन जारी रहेगा, सभी धर्म के, सभी समाज के लोग, सभी पार्टियों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं खुद समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरा नाम डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा है और मैं ब्राह्मण सभा की सदस्य समाज की तरफ से अपने यहाँ पर मौजूद हूँ, और मैं ये मांग लगातार कर रही हूँ, अगर वो नहीं मिले तो हम लोग सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे, और आंदोलन बहुत बड़ा होगा और पूरे प्रदेश में होगा। तो विक्रम त्यागी के लिए कहीं ना कहीं एक जंग जो है सभी पार्टी ने छेड़ दी, अब देखना बहुत अहम होगा कि आगे इसमें और क्या कार्रवाई होती है और क्या जांच होती है। कैमरा पर्सन शहनवाज के साथ आयुष श्रीवास्तव, गाजियाबाद। हाय गाइस, दिस इज आलिया भट्ट, यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वाचिंग।